बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री के पद पर लगातार सातवीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो वहीं इस बार उनके मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं चेहरे में से एक है वीआईपी के प्रमुख, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन का साथ चुनाव के बीच में ही छोड़ दिया और उन्होंने ये कहा था, तेजस्वी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पीठ पर छुरा भोंका जा रहा है, और उसके बाद वह एनडीए से जाकर मिल गए। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने 16 नवंबर को जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ उस वक्त उन्होंने मंत्री पद का भी शपथ ग्रहण किया। साथ ही साथ उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बात की और अपनी बातचीत में उन्होंने आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। सरकार नहीं चलेगी 5 साल, वो सपना देख रहे हैं तो देखने दीजिए। बोल रहे हैं एक मल्ला का बेटा को, एक माजी को डोरे डाल रहे हैं, जाल में फंसाने का काम करते हैं। मल्ला का बेटा तो हमेशा मछली जाल में फंसाता है, फंसता नहीं है। तो आने वाले समय में मजबूती, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, आइए 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 नीरज भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, स्टार्ट हुई है। नीरज भैया नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सहनी है, मंत्री बन गए हैं मुकेश सहनी जी। मंत्री बन गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में काम करेंगे और एक मुझे काफी अच्छा लगेगा। विकास कार्य होगा निश्चित तौर पे, पहले से बेहतर आज हुआ और आज से बेहतर हम लोग करेंगे।